तो अभी तक तो आप सभी जान ही चुके होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं मीठी मीठी टेस्टी गुंजिया। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल मिस्टर चटोरा पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी किचन में बनाने वाले हैं टेस्टी गुंजियाओं को, और इनको बनाना बहुत आसान है। आप भी अक्सर अपनी किचन में इसको बनाते रहते होंगे, लेकिन आज जिस तरह से हम बनाने वाले हैं, एक बार आप भी इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ गुंजिया से रिलेटेड, कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गुंजिया बनाते समय। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, गुंजिया बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा, 250 ग्राम मावा जिसको हमने अपनी किचन में बनाया है, 100 ग्राम मखाने, आधा किलो बूरा, और साथ साथ हमें चाहिए नारियल का बुरादा। ये मार्केट में मिल जाएगा, बट ये हमने अपनी किचन में बनाया है, जिसके लिए हमने सूखे गोले को कद्दूकस करके मोटा मोटा कस लिया है, और फिर उस कसे हुए गोले को हमने मिक्सर में ग्राइंड करके ये पाउडर बना लिया है। बिल्कुल महीन पाउडर हमने गोले का यहाँ पर हमने बनाया है। इसके साथ हमें चाहिए 250 ग्राम सूजी, कुछ मेवे चाहिए हमें जैसे किशमिश, काजू, बादाम, खरबूजे के बीज, इसके अलावा आप चिरौंजी इत्यादि ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमें चाशनी बनाने के लिए चाहिए चीनी। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले लिया है मैदा और इससे हम बनाएंगे डो। तो जैसे कि हमारा आधा किलो मैदा है, तो उसका 1/4 यानी कि 120 ml हमें रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड करना है, ताकि जो गुजिया है वो खस्तापन उनमें आ सके। बहुत ज़्यादा टेस्टी गुंजिया बनेगी जितना आप ज़्यादा इसमें मोइन के रूप में ये ऑयल यूज़ करेंगे। और इसको आपको अच्छे से मैश करना है, दोनों हाथ का यूज़ करते हुए इसको अच्छे से मैश करके हमें इक्वली मिक्स करना है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह इसमें बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये इस तरह से बाइंड होना चाहिए बिना पानी ऐड किए। तो चलिए, अब हम इसमें धीरे धीरे से पानी ऐड करके एक डो तैयार करेंगे, और ये डो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम अपनी किचन में रोटी बनाते हैं, उतना सॉफ्ट ये डो होना चाहिए। पूरी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इस डो को तैयार करना है, और जब ये डो तैयार हो जाएगा तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और चलिए फ्रेंड्स, अब तैयार कर लेते हैं गुंजिया के लिए स्टफिंग। तो उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी ऐड करके हमें जो मखाने हैं उनको रोस्ट कर लेना है। इन मखानों को फ्रेंड्स हमें अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जब हम इन मखानों का पाउडर बनाएं तो वो ईजिली बन जाए। और फ्रेंड्स, जब हमारे मखाने भुनकर तैयार हो जाएंगे तो हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी तरह से हमें जो मगज हैं, खरबूजे के बीज हैं, इनको भी इसी तरह से हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इसमें हम घी का यूज़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इनमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाती है। और अगेन हमें घी ऐड करके इसमें सूजी को भून लेना है। सूजी को हम इतना भूनेंगे कि वो गोल्डन कलर में आ जाए, उससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, वरना जो सूजी है वो जल जाती है, और जिससे कि मतलब गुजिया का जो टेस्ट है वो उतना अच्छा आ नहीं पाता जितना कि होना चाहिए। उसमें थोड़ा जलने वाली स्मेल आ जाती है सूजी की। तो सूजी को हमें सिर्फ इतना भूनना है कि वो गोल्डन कलर में आ जाए, उसके बाद फ्लेम ऑफ करके इस सूजी को हम अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कुछ इस तरह की सूजी हमें भूनकर तैयार करनी है। और अब हम इस कढ़ाई में ऐड करेंगे मावा, जो कि हमने अपनी किचन में ही बना के रखा है। ये फ्रिज में रखा होने की वजह से थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो इसको भी हम कढ़ाई में मैश करते हुए इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और अगर आपको ये मावा या खोया जो पसंद नहीं है, तो आप इसको अवॉइड करके केवल सूजी और मेवे से भी ये गुजिया बना सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो मावा ये मेल्ट हो गया है, और इसमें अब हम ऐड करेंगे सूजी, और जो हमने नारियल का बुरादा बना रखा था अपने किचन में उसको ऐड कर लेना है। और अब इन तीनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं स्टफिंग के, ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इस मिक्सचर में कोई गुठली ना रह जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सचर तो हमारा तैयार है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मखानों को हमने रोस्ट किया था, उसको हमने इमाम जिस्ता में ही कूट के थोड़ा बारीक कर लिया। आप चाहे तो ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करके बहुत फाइन पाउडर बना सकते हैं। ये मगज हैं,
खरबूजे के बीज देखिए कितने क्रंची हो चुके हैं रोस्ट करने के बाद। और अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश को भी हमने थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया है, आप चाहे तो कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब हम ऐड करेंगे बादाम। बादाम को भी हमने बारीक बारीक काट के रखा है, लेकिन काजू हम अभी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। काजू हम तब ऐड करेंगे जब हम गुंजिया में स्टफिंग फिल करेंगे। तो देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और सभी इंग्रेडिएंट्स इक्वली इसमें मिक्स हुए हैं। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे एक बड़े से बर्तन में। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे जो आधा किलो बूरा हमने लिया है। बूरा हमें गर्म गर्म में ऐड नहीं करना है, हो सकता है कि ये कहीं पानी ना छोड़ दे, इसलिए ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर हम इसको जेंटली हाथ से मिक्स करते हुए इस बूरे को ऐड करना है। आप बूरे की जगह शक्कर का यूज़ कर सकते हैं और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें कम भी कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा मीठा आप खाते हैं तो वो भी आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने डो की तरफ। डो का क्या हाल है? डो भी काफ़ी ड्राई हो चुका है क्योंकि हमें ये मिक्सचर बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया और हमने इसको गीले कपड़े से कवर करके नहीं रखा, इसलिए हमें इसको दोबारा से एक बार फिर से मैश करना होगा। आप जब भी इसको होल्ड पर छोड़ें तो गीले कपड़े से ढककर रखिएगा। तो चलिए अब हम इससे गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमें एक छोटी सी लोई तोड़नी है और उससे एक चपाती बना लेनी है। चपाती की जो थिकनेस है वो 3 से 4 mm रहनी चाहिए, यानी कि थोड़ी मोटी चपाती हमें बनानी है। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो चपाती की शेप है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। आप इसको सर्कल में बना सकते हैं, अनइवन शेप आए उसमें बना सकते हैं, लेकिन जो चपाती है वो इतनी होनी चाहिए कि जो मशीन है गुजिया बनाने की वो उसको पूरी तरह से कवर कर सके, और जो एक्स्ट्रा चपाती है वो कटिंग में जाकर रीयूज़ हो जाएगी। तो हमें शेप की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, बस आपको मोटाई का ध्यान रखना है कि ये 3 से 4 mm मोटी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी मोटी आप चपाती यहाँ पर रखेंगे उतनी ही टेस्टी और खस्ता आपकी जो गुजिया है वो बनकर तैयार होगी। देखिए बिल्कुल इस तरह की चपाती हमें बनाकर तैयार कर लेनी है। और अब हम इसमें एक मशीन लेंगे जिससे कि हमें गुजिया बनानी है और इसको हम ग्रीसिंग करेंगे। रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं इसको ग्रीसिंग करने के लिए। दोनों साइड पर हमें ये रिफाइंड ऑयल लगा लेना है और इस चपाती को परफेक्टली इस मशीन के ऊपर रख लेना है। आपको ये मशीन इजीली मार्केट में मिल जाएगी फ्रेंड्स, 5 से 10 रुपये की आती है। और फ्रेंड्स अब हम इस चपाती के कॉर्नर्स पर पानी लगा देंगे ताकि जब हम गुजिया को प्रेस करेंगे तो वो अच्छे से चिपक जाए दोनों कॉर्नर्स। और जेंटली हमें इसमें जो स्टफिंग है उसको ऐड करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये स्टफिंग थोड़ा सा भी बाहर जॉइंट पर आ गई तो वहाँ पर गुजिया हमारी खुल सकती है जब हम इसको फ्राई करेंगे। और अब लास्ट में हमें इसमें एक काजू का पीस रख के इस गुजिया को बंद कर देना है। और ये देखिए जो हल्का हल्का सा हमें इसको प्रेस करना है, और ये जो बाहर एक्स्ट्रा चपाती निकली है इसको भी बहुत धीरे धीरे केयरफुली अलग करके हमें रख लेना है। इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे जब दूसरी गुजिया हम बनाएंगे। तो देखिए हमने हल्का हल्का सा प्रेस करके इजीली इसको निकाल लेना है, धीरे धीरे से निकाल लेंगे। ये देखिए गुजिया एकदम परफेक्टली तैयार है और अब हम इसको अलग से एक ट्रे में कलेक्ट करके रख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दूसरी गुजिया बना के दिखाता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाने वाला हूँ ये दूसरी गुजिया जो मैं बना रहा हूँ। प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी, इसी तरह से हमें ग्रीसिंग करनी है मशीन पर। ये जो चपाती है मशीन से बड़ी होनी चाहिए, इसको मशीन पर ऐड करके हमें दोनों साइड पर पानी लगा लेना है और इसमें स्टफिंग भरनी है। स्टफिंग फिल करने के लिए आप छोटे से छोटी चम्मच का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बड़ी चम्मच होगी तो स्टफिंग ज़्यादा आएगी और वो हो सकता है कि बाहर कॉर्नर्स पर आ जाए, जिससे कि गुजिया ख़राब होने का डर रहता है। तो आप छोटे चम्मच का यूज़ कीजिएगा और बड़ी केयरफुली स्टफिंग को फिल करके ईजिली इस कटिंग को रिमूव करके गुंजिया आपकी तैयार है। और इस गुंजिया को बड़े ही सेफ हैंड के साथ निकाल कर आप अपनी ट्रे में कलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन गुंजिया निकलने के बाद आप ये चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा कि इसके जो कॉर्नर्स हैं इक्वली मैच हैं कि नहीं, कहीं पर कोई जॉइंट खुला तो नहीं है। अगर जॉइंट खुला रह जाए तो आप उसको हाथ से प्रेस करके बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार गुंजिया कढ़ाई में खुल गई तो वो कंट्रोल करना थोड़ा सा भारी हो जाता है, उसको हमें बाहर ऐसे ही निकालनी पड़ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आधा किलो मैदा से लगभग 55 जो गुजिया है वो बनाकर तैयार कर ली है।
एक ट्रे में मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। गुजिया को डीप फ्राई करने से पहले हम उसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर 3 बाउल चीनी का लेना है। 3 बाउल का मतलब ये लगा लीजिए कि वो लगभग 750 ग्राम चीनी हमने यूज़ की है, और 3 बाउल चीनी के साथ उसका आधा हमें पानी इसमें ऐड करना है। यानी कि 3 बाउल चीनी के लिए हमने यहाँ पर 1.5 बाउल पानी का ऐड किया है, और इसको मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक तार ना बनने लगे। एक तार की चाशनी हमें चाहिए होती है। और जब आप चाशनी बना रहे हैं तो चाशनी पर ये वाइट कलर की एक मलाई जैसे आने लगती है। गांव में इसको मली कहा जाता है, और इसको हमें निकाल कर अलग कर देना है, क्योंकि ये गुजिया का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही ख़राब कर देती है। तो हमें इसको धीरे धीरे फिल्टर करके अलग निकाल लेना है। और देखिए, ये जो टेस्टी चाशनी है, मीठी मीठी चाशनी है, ये भी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। आइए इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें एक तार बन रहा है। ये देखिए, एक तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, और इसको बनने में लगभग आपके 15 से 16 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको चाशनी को हमें तैयार करना है। और अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और तैयारी करते हैं गुजिया को फ्राई करने की। बीच बीच में हम गैस चलाकर इस चाशनी को गर्म करते रहेंगे, क्योंकि गर्म गर्म चाशनी में हमें एक गुजिया कोटिंग करनी है। और चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं गुजियाओं को जो हमने बनाकर रेडी रखी है, और इनको मीडियम फ्लेम पर हमने ये ऑयल गर्म किया है। आप भी जब इन गुजियाओं को डीप फ्राई करें तो एक चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका जो ऑयल है ये ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम फ्लेम पर ही ये गर्म हो, हल्का गर्म होना चाहिए, ताकि जो गुंजिया है वो पूरी तरह से सिक जाए। ऐसा ना हो कि गर्म गर्म तेल में हमने इन गुंजियाओं को छोड़ा और वो बाहर बाहर से सिक गई लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। तो हमें इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है, और गुंजियाओं को हमें अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेना है। गुंजियाओं को हम 2 स्टेप में डीप फ्राई करने वाले हैं। जब ये हल्का हल्का सा सिक जाएगी तो हम इसको थोड़ा सा अलग रखेंगे, और फिर से तेल गर्म करके हमें इन गुंजियाओं को उसमें छोड़ देना है। और इन गुंजियाओं का हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका गोल्डन कलर ना आ जाए, और गोल्डन कलर आते ही तुरंत हमें इसको इस ऑयल से अलग कर लेना है, वरना ये जो ज़्यादा भी जल जाती हैं कई बार। और गर्म गर्म गुंजियाओं को हमें गर्म गर्म चाशनी में ऐड करना है, ताकि जो शुगर कोटिंग है इन गुंजियाओं पर वो अच्छी से हो जाए। और आप इसको धीरे धीरे चलाते हुए ऐसे शुगर कोटिंग इन गुंजियाओं पर करनी है। इससे क्या होगा कि जो इसका बाहर की लेयर है गुजिया की, मैदे वाली, वो चाशनी को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है और खाने में बड़ी टेस्टी हो जाती है। सूखी गुंजियाओं को आप लगभग 20 से 25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब आप शुगर कोटिंग करते हैं तो आप उसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। आप उसको मैक्सिमम 6 या 7 दिन तक आप फ्रिज में रखिए या ड्राई लोकेशन पर रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो हमारा दूसरा बैच है गुंजियाओं का, उसको भी डीप फ्राई कर लेते हैं। ये गुंजिया का बैच नंबर 2 जरूर है, लेकिन जो इसको बनाने का तरीका है, मेथड है, प्रोसेस है, वो एग्जैक्टली सेम है। और दूसरा बैच हमें बाहर निकालने से पहले, जो हमारे पहले बैच की गुंजिया है उसको हमें चाशनी से बाहर निकालना है, और फिर जो दूसरा बैच है उसको हम इस चाशनी में डिप करेंगे। लगभग हमने ये 6 से 7 मिनट तक इन शुगर सिरप में इन गुंजियाओं को डिप करके रखा है, लेकिन आप चाहें तो लगभग 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद भी इन गुंजियाओं को इस शुगर सिरप से बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि कितने सिंपल वे में हम इन गुंजियाओं को अपनी किचन में बना रहे हैं। बिल्कुल झोलमाल नहीं है इसको बनाने में। जो एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं इस वीडियो में वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, हमारा दूसरा बैच भी गुंजियाओं का तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने जो 55 गुंजिया बनाकर रखी थी उनको हमने डीप फ्राई करके शुगर कोटिंग करके रख लिया है। अब ये गरम गरम है, हो सकता है चाशनी हाथ पर चिपके, लेकिन आप इसको 2-3 घंटा छोड़ दीजिएगा, ये बिल्कुल हाथ पर नहीं चिपकेंगी। एक बैच हमने ऐसा भी निकाला है जिसमें हमने शुगर कोटिंग नहीं की है, और बाकी की जो गुजिया है उस पर हमने शुगर कोटिंग करी है। और देखिए, एक भी गुजिया हमारी कढ़ाई में नहीं फटी है। इसका मतलब है कि हमने इन गुजियाओं को अच्छी तरह से पैक किया था। और आइए मैं आपको तोड़कर दिखाता हूँ। जो गुजिया हमने शुगर कोटिंग नहीं किया है, जिसको चाशनी में डिप नहीं किया था, वो थोड़ी सी हार्ड ज़रूर है,
लेकिन ये भी कोई कम नहीं है शुगर कोटेड गुजिया के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। देखिए स्टफिंग एकदम प्रॉपर आई है इसमें, पूरी तरह से ये जो स्टफिंग है फिल्ड है। कई बार क्या होता है कि सूजी कम होने की वजह से मावा जो है एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है, इसलिए सूजी और मावे की क्वांटिटी जो है अप्रोप्रिएट होनी चाहिए जैसे कि हमने बताई है। और देखिए ये जो शुगर कोटेड गुजिया है जिसको हमने चाशनी में डिप किया था, ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, हल्का सा प्रेस करते ही टूट गई है। सिमिलरली ये मुँह में जाकर तुरंत घुल जाने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो 55 की 55 गुजिया है वो बनाकर यहाँ पर रेडी कर ली है, और अब हम इनको एक अलग से सर्विंग ट्रे में निकाल कर इनको गार्निशिंग करेंगे कुछ कटे हुए मेवे बादाम से। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगते हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, जिससे कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं। इसी तरह से आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर लिखकर बताइएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगा अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।